हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी मैनेज कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि इस टाइम पर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेफ रख सकें, अपने नियर एंड डियर वंस को सेफ रख सकें और अपनी फ्यूचर की भी तैयारी पूरी तरह से कर सकें। उस हेल्प के लिए हम आपके लिए वीडियोज लाते हैं जहां पर कि शॉर्ट हैंड से रिलेटेड एडवांस आउटलाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटलाइन्स आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि आप इस टफ टाइम में भी अपने आप को प्रिपेयर रख सकें ताकि जब हमारे आगे टास्क आता है तो हम उसको बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकें। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है। आज मैंने कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स लिए हैं। इन वर्ड्स में मोस्टली जो शब्द है वो राष्ट्र से संबंधित है। राष्ट्र से बनने वाले कई सारे शब्द होते हैं जिनको हम यूज करते हैं और अपनी शॉर्ट हैंड में जगह जगह पे प्रयोग में लेने पड़ते हैं, तो उनका एक सिलेक्शन ऑफ कंसेप्ट है, एक वर्ड सिलेक्शन है, कलेक्शन है, जिसके थ्रू कोशिश कर रही हूँ कि आपको इन शब्दों को सही से समझा पाऊं कि कौन से रूल्स आप यूज कर सकते हैं जिससे कि शब्द को और ज्यादा शॉर्ट किया जा सके और ज्यादा इजिली बनाया जा सके। स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हर तरह के वीडियोज अवेलेबल होते हैं। आप अगर ऑनलाइन भी हमसे पढ़ना चाहें तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वहां पर भी प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने टारगेट में कहीं से भी पीछे ना रह पाएं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये राष्ट्रीय शब्द हमारी शॉर्ट हैंड के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट आउटलाइन है। एक एक आउटलाइन को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और करने की कोशिश कीजिए। हर आउटलाइन को 3 से 4 बार जरूर बनाया कीजिए ताकि आपको आउटलाइन का कंसेप्ट आपके हाथ में सेट हो जाए। जब कंसेप्ट सेट होगा तभी आप उसको सही से बना पाएंगे। तो चलिए बगैर वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट अवर वर्क। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, पहला जो शब्द आ रहा है ये है राष्ट्रीय अधिवेशन। राष्ट्रीय का जो शब्द होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो समझिए कि राष्ट्र कैसे बन रहा है, ठीक है। अब राष्ट्र में रा की व्यंजन रेखा में सा का व्रत लगाते हुए टा में रा का हुक लगाते हुए बनाया हमने राष्ट्र, ठीक है। ये शब्द बन गया हमारा राष्ट्र, ये है बेसिक लाइन, इसी से बना राष्ट्रीय। तो ट्रा बनाया और इसमें छोटा सा या का शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया और ये शब्द हमारा बन गया राष्ट्रीय। अब इन दो शब्दों को मिला के हम आगे की आउटलाइंस को बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे कि और हम इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके शब्दों को कैसे नया रूप दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि पुराने शब्द से मिलके ही नए शब्द को हम बनाएं जिससे कि वो पढ़ने में आसान हो, समझने में उससे ज्यादा आसान हो। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय अधिवेशन शब्द है तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए राष्ट्रीय के लिए वही जो हमने फिक्स वर्ड डिफाइन किया है तो राष्ट्र बनाया, ठीक है। अब या को हम यहाँ पर साइलेंट कर देंगे क्योंकि एक ही शब्द जब कई बार यूज होता है तो हम उसको साइलेंट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और बनाएंगे इसमें अधिवेशन। तो अधिवेशन के लिए ध की व्यंजन रेखा वा और वा में शन का हुक थोड़ा बड़ा बनता है तो राष्ट्रीय अधिवेशन। अब कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी कि ये तो राष्ट्र अधिवेशन भी पढ़ सकते हैं हम, जैसा कि शब्द से क्लियर हो रहा है। तो आप इसमें एक रूल क्या अप्लाई कर सकते हैं कि यहां पर ये पूरा बनाया और या का ये एक सेमी सर्किल जैसा दे दिया, या का जो शॉर्ट वर्ड होता है ना उसको हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे ये पढ़ने में भी आसान हो जाएगा और आपको समझ में भी आसानी से आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट शब्द है हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अब देखिए दो फॉर्मेट मैंने आपको बताए हैं, राष्ट्र अधिवेशन और राष्ट्रीय अधिवेशन। तो इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा एक यहाँ पर हुक डिफाइन करेंगे जिससे कि शब्द पूर्णतः क्लियर हो जाएगा कि वहां पर आपने किस फॉर्मेट में बनाना है। इसके बाद देखिए शब्द आता है राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो देखिए राष्ट्रीय दृष्टि के लिए दा में रा का हुक, का और ना का हुक, राष्ट्रीय दृष्टिकोण। यहां पर भी आप अमेंड कर सकते हैं। दो फॉर्मेट इसलिए बताती हूं क्योंकि कहीं कहीं पर यूज करने वाला
उसको अपने हिसाब से लेता है। तो दृष्टिकोण के लिए सा का व्रत भी आएगा आपका, राष्ट्रीय दृष्टिकोण, ठीक है। तो कैसे बना, राष्ट्रीय दृष्टिकोण इस तरह से। शब्द को जितना फ्लुएंसी में बनाएंगे ना, आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा शब्द गड़बड़ होता है। आप एक बार समझिए कि शब्द का कंसेप्ट क्या था। अगर शब्द का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये रूल लगा है, ये बेस लाइन बनाई गई है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उसको लिखना और उसको पढ़ना। तो इस तरह से हमने लिखा राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इसी तरह से राष्ट्रीयकरण, जैसे बैंकों का होता है, कई सारी चीजों का होता है, तो हमने कर दिया यहाँ पर राष्ट्रीयकरण। मुझे यही फॉर्मेट सिंपल लगता है, शब्दों के हिसाब से मैं इसे ज्यादा इजीली पढ़ सकती हूँ, इसीलिए मैं इसे ऐसे ही लिख रही हूँ। बट आपके लिए मैं इसको क्लियर जरूर कर रही हूँ कि आप यहाँ पे या का फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से है राष्ट्रीय बैंक। अब बैंक के लिए बाकी व्यंजन रेखा फिक्स है, तो हमने बनाया राष्ट्रीय बैंक। बैंक शब्द के लिए बाकी व्यंजन रेखा को फिक्स कर रखा है, तो उसी के हिसाब से हम बस बाकी व्यंजन रेखा को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे और उससे राष्ट्रीय बैंक बन जाएंगे। और इसी से आपका शब्द बनता है राष्ट्रीय कृत बैंक, ठीक है। ये राष्ट्रीय बैंक हो गया, अगर बनाना है राष्ट्रीय कृत बैंक तो देखिए राष्ट्रीय का में रा का हुक, ता की व्यंजन का हुक, रा का भी हुक बना है और ता का भी हुक बना है, और बैंक के लिए हमने बा की व्यंजन रेखा से इसको काट दिया, तो बन गया राष्ट्रीय कृत बैंक, ठीक है। देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय ऋण। तो कैसे लिखा हमने, राष्ट्रीय राष्ट्र का बनाया, ऋण के लिए रा में ना का हुक, राष्ट्रीय ऋण, क्योंकि रा की व्यंजन रेखा को ही रेफा कटा जो हम पढ़ते हैं ना उसी से बनाते हैं, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर राष्ट्रीय ऋण बनाया। इसके बाद शब्द है हमारा राष्ट्र निर्माण। तो देखिए राष्ट्र का बनाया और निर्माण के लिए ना में रा का हुक और मा में ना का हुक ऐड कर दिया, तो राष्ट्र निर्माण। या तो ऐसे बनाइए या फिर ये यहां से बनाते हुए बना सकते हैं राष्ट्र निर्माण। शब्दों को या तो काट के लिख सकते हैं या फिर नियर अबाउट बना सकते हैं, ये पूर्णतया आप पर निर्भर करता है कि आप उस शब्द को किस तरह से समझ रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बनाए हुए शब्दों का फॉर्मेट आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब डिक्टेशन होती है, जब एग्जाम होता है, वहां पर कोई इफ एंड बट नहीं चलता, वहां पर तो आपको लिखना ही है और लिखने के लिए शब्दों को बनाना जरूरी है। अब इसकी तरह देखिए राष्ट्रीय स्तर से, तो हमने बनाया राष्ट्रीय, अब यहीं से इस्त का चाप लगाते हैं स्तर से, तो शब्द क्या बन गया राष्ट्रीय स्तर से, ठीक है। से के लिए सा का व्रत हमने लास्ट में यूज किया है, जिससे कि आपको अलग से हाथ उठा के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से शब्द आता है आपका राष्ट्रीय स्तर पर, तो देखिए राष्ट्रीय स्तर और पर के लिए ये पा और रा, यहां पर हम इसको ऐड कर देंगे राष्ट्रीय स्तर पर, तो शब्द भी क्लियर हो गया, शॉर्ट भी हो गया। अब देखिए शुरू से लेके अभी तक हम जो बना रहे हैं शब्द, एक बेस लाइन पे बनाते हुए आ रहे हैं। एक बेस लाइन पे बनाने से यह है कि बस थोड़े बहुत शब्द आगे पीछे बढ़ते हैं और आप उनको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। इसके बाद आपका शब्द आता है राष्ट्रीय समस्या। तो कैसे लिखा देखिए, राष्ट्रीय का बनाया, समस्या, सा का व्रत, मा की व्यंजन रेखा, फिर सा का व्रत और या का शॉर्ट फॉर्म, तो राष्ट्रीय समस्या। इसके बाद शब्द आता है हमारा राष्ट्र हित, तो हा और ता पूरा बनाएंगे क्योंकि इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं हम, के लिए इसी में हम ऐड कर देंगे। तो देखिए कितना राष्ट्रीय हित के लिए पूरा शब्द एक ही सिंबल में डिफाइन हो गया। जैसे हम वाक्यांश बनाते हैं ना एडवांस आउटलाइन के, उसी तरह से हम यहां पर भी इसे इजीली बना सकते हैं और लिख सकते हैं राष्ट्रीय हित के लिए। इसके बाद शब्द आता है हमारा राष्ट्रीय संपदा।
देखिए राष्ट्र का बनाया और यहीं पे संपदा के लिए सा का व्रत पा और द राष्ट्रीय संपदा, तो इस तरह से शब्द बना राष्ट्रीय हित के लिए राष्ट्रीय संपदा। शब्दों को समझिए, शब्दों का सार समझिए और इनसे संबंधित और जो भी शब्द आपके दिमाग में आते हैं आप फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाऊं। आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए कि आपको कौन सी आउटलाइन ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, इजी है, ताकि मुझे एक आउटलुक मिल सके और मैं आपके लिए एक और अच्छा बेटर परफॉर्म क्रिएट कर पाऊं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं इसी तरह से और आगे बनने वाले। इसके बाद शब्द आता है हमारा राष्ट्रीय भाव। ठीक है, ये तो मैंने कुछ सिलेक्ट किए थे जो मुझे याद आ रहे थे, आपको याद आए तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उनकी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी या फिर मैं टेलीग्राम पे भी आपको उसकी स्मार्ट आउटलाइन प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय भाव लिखना है तो राष्ट्रीय भा की व्यंजन रेखा में वा का शॉर्ट फॉर्म भाव, राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षा का शब्द चिन्ह है हमारा, इस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ पे हल्का सा फ्लो डिफाइन करने के लिए नीचे से ऊपर के हाथ को ड्रॉ करके बनाया है ताकि शब्द का एंगल और डायरेक्शन सही बन जाए और हमें पढ़ने में आसानी रहे। इसके बाद शब्द आता है हमारा राष्ट्रीय भाषा। देखिए राष्ट्रीय भाषा, भाषा के लिए भा की व्यंजन रेखा में सा का व्रत। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा। इसके बाद शब्द है हमारा राष्ट्रीय चरित्र, तो राष्ट्र का बनाया। ठीक है, यहीं पे चा को साइलेंट किया, रा और त्रा बड़ा चा, तो राष्ट्रीय चरित्र शब्द बना जाके। इसके बाद शब्द आता है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा, तो देखिए राष्ट्र का बनाया, सा में सा का व्रत, रा की व्यंजन रेखा और छा, छा को हाथ उठा के नहीं काटेंगे, लास्ट में ही हम उसमें हल्का सा कट लगा के उसको डिफाइन कर देंगे, तो बन गया राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके बाद शब्द आता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो देखिए कैसे लिखा हमने राष्ट्रीय सुरक्षा। अब कानून के लिए का की व्यंजन रेखा में ना का हुक के साथ में ना की व्यंजन रेखा, तो बन गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एक साथ एक फ्लो में पूरे शब्द डिफाइन हो गए। इसके बाद शब्द आता है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा पर, तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा और पा और रा, ये ऑलरेडी हम इससे पहले यूज कर चुके हैं, तो शब्द बनाया राष्ट्रीय सुरक्षा पर। नेक्स्ट शब्द है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा आदेश, तो कैसे लिखा हमने राष्ट्रीय सुरक्षा आदेश के लिए दा में सा और साउंड दे देंगे ताकि शब्द और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए साउंड हटाना कोई बहुत बड़ी एक तरह से इंटेलिजेंसी नहीं होती है, अगर हम साउंड को लगा देते हैं तो शब्द और ज्यादा क्लियर हो जाता है, और शब्द के क्लियर होने से फायदा ये होता है कि आप उसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो एक्यूरेसी को स्ट्रांग करने के लिए जरूरी है कि आप आउटलाइन में साउंड को यूज कीजिए, साउंड यूज करने से शब्द बहुत सही हो जाते हैं। इसके बाद आपका शब्द आता है राष्ट्रीय संग्रहालय, तो हम किस तरह से लिखेंगे देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय, हा में ला यहीं से बना देंगे, देखिए सा का व्रत ना की व्यंजन रेखा, गा में रा का हुक, हा ला और या, तो राष्ट्रीय संग्रहालय शब्द बना। इसी तरह से है राष्ट्रीय कैलेंडर, तो यहां पर हमने कैसे लिखा देखिए राष्ट्रीय और शब्द आया हमारा कैलेंडर, तो का में ला का हुक और इसको कर दिया डबल और ना की ना का हुक, तो जब डबल कर दिया तो ये शब्द डर टर वाला जो रूल हमने पढ़ा था ना, जहां पर किसी शब्द को उसकी व्यंजन रेखा का डबल करते हैं तो
तो उसमें टर और डर लग जाता है, तो वही चीज यहां पर अप्लाई हुआ, तो बन गया राष्ट्रीय कैलेंडर। इसके बाद शब्द है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, तो कैसे लिखा देखिए राष्ट्रीय, ठीक है। अब शिक्षा को ऑलरेडी हम बना चुके हैं हल्का सा हाथ घुमा के, शिक्षा संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। इस तरह से ये शब्द हम कंबाइन करेंगे, और देखिए शब्द एक बार एक बेस लाइन पे जब बनते जाते हैं तो हमारे लिए आसानी होती जाती है उनको पढ़ने में, क्योंकि आगे पीछे के शब्दों को पढ़ के हम उन शब्दों का लिंक निकाल सकते हैं कि हमने ये क्या बनाया होगा और किस तरह से इसको पढ़ना है। इसके बाद है राष्ट्रीय कार्य समिति, तो समिति का भी सिंबल है हमारा, तो हमने बनाया है यहां पर राष्ट्रीय कार्य समिति, साका व्रत मां की व्यंजन रेखा और ताका शॉर्ट, ताको यहाँ पे ताका हुक बनाया है, इसी तरह से है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तो हमने यहाँ पर बनाया राष्ट्रीय कार्य, ठीक है, और ना की व्यंजन रेखा में द्विध्वनिक साउंड लगाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तो इस तरह से हमने ये शब्द पूरा बनाया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। इसके बाद है आपका देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय मोर्चे पर, तो राष्ट्र का बनाया मोर्चे में माँ में रा का हुक और चा की व्यंजन रेखा, तो राष्ट्रीय मोर्चे पर, पर के लिए पा और रा का सिंबल ऐड कर सकते हैं हम, जिससे कि वो अलग से हाथ उठा के ना बनाना पड़े। नेक्स्ट वर्ड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बारिश की आवाजें आ रही होंगी आपको बिकॉज बारिश शुरू हो गई है अब यहाँ पर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो हमने यहाँ पे बनाया स्वयं सेवक संघ, घा के लिए इसको डिफाइन किया है, तो शब्द बन गया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसके बाद शब्द देखिए राष्ट्रीय विस्तार, तो राष्ट्र का बनाया वा की व्यंजन रेखा में स ता और रा विस्तार, देखिए वा की व्यंजन रेखा को बनाया है, इसमें हमने सा का व्रत ता की व्यंजन रेखा और रा ये ऐड किया है, तो बन गया राष्ट्रीय विस्तार। नेक्स्ट वर्ड है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, तो देखिए राष्ट्रीय विस्तार ये बन गया यहां पर, और इसी में हम सेवा का शब्द यूज करेंगे, तो चूंकि ये हाथ पीछे आ गया है, पीछे आने की वजह से इसको आगे ले जाने में हमें थोड़ा परेशानी होगी, तो हम सेवा का सेपरेट बना देंगे, सा का व्रत वा की व्यंजन, ठीक है, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, तो हमने कैसे लिखा देखिए राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, कार्यक्रम का सिंबल हमने यहाँ पर पूरा ही ऐड किया है, इसको शॉर्ट नहीं किया है, इसका रीजन है कि हम इसको सही से पढ़ पाए, इसलिए हमने इसको शॉर्ट ना करके इसको पूरा बनाया हुआ है। इसके बाद है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, तो राष्ट्रीय का लिखा लघु ला और घ, उद्योग के लिए ध और निगम के लिए ना की व्यंजन रेखा से इसको डिफाइन कर दिया, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इस तरह से शब्द को बनाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय सरकार, ये बन गया सा में रा का हुक, सॉरी सा का व्रत रा की व्यंजन रेखा का और रा, तो राष्ट्रीय सरकार, सरकार का सिंबल भी हम इस तरह से मिला के बनाते हैं, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर इस शब्द को भी डिफाइन किया है राष्ट्रीय सरकार। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय पथ, तो देखिए राष्ट्र का बनाया प और थ, एक तो इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा आप कैसे बना सकते हैं राष्ट्रीय काट के भी बना सकते हैं पथ, राष्ट्रीय पथ, और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है राष्ट्रीय पुरस्कार,
तो इसके लिए क्या करेंगे, हम राष्ट्र का बनाया पा में रा का हुक स क र पुरस्कार, तो राष्ट्रीय पुरस्कार, इस तरह से हम इस शब्द को पूरा करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको राष्ट्र से संबंधित शब्दों को लेके आऊं। ये फर्स्ट सीरीज है, दूसरी सीरीज बहुत जल्दी ही आपके लिए अपलोड करूंगी। होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा कि आपके लिए मेरे वीडियोस कितने हेल्पफुल रहते हैं, बिकॉज आपकी कमेंट मोटिवेशन का काम करती हैं, ये एक लाइट का काम करती हैं, जो कि मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं आपके लिए कुछ नया बनाऊं, कुछ नया करूं, और आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज में आपकी हेल्प करूं। तो प्लीज कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हर टफ टाइम में अपने आप को चार्म कीजिए, ताकि आपको अपने फ्यूचर ब्राइट दिखे और हर चीज आपके लिए अच्छी और शुभ हो। यही शुभकामनाओं के साथ में नए वीडियो जल्दी ही आपके लिए अपलोड करूंगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको शॉर्ट एंड आउटलाइन के आउटलुक्स वहां पर भी प्रोवाइड होते रहें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।